हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्मिता झा है। मैं अंचल अधिकारी नाथनगर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा सिलेक्शन 63rd BPSC में हुआ था एज रेवेन्यू ऑफिसर। मैं थोड़ा अपने बारे में पहले ब्रीफली आपको बता देती हूँ। मेरी स्कूलिंग जमशेदपुर से हुई है और मैंने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रामजस कॉलेज से किया है। मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच में काम किया है। मैं UPSC की तैयारी करती थी पर UPSC में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर मैंने BPSC दिया। BPSC में मेरा यहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था। फिर मैंने ज्वाइन भी कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद फिर ठीक है, काम अच्छा ही लग रहा है जो भी, तो मैं इसके रेवेन्यू ऑफिसर या अंचल अधिकारी सर्कल ऑफिसर की जो चुनौती मतलब जो काम होता है, मैं उसके बारे में आपको ब्रीफ करना चाहूँगी। किन किन मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस, क्या क्या उनका काम होता है। तो लाइक जैसे बैंक होता है, बैंक में हम लोग अकाउंट मेंटेन करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते हैं। वैसे अंचल अधिकारी का काम होता है एक लैंड का अकाउंट मेंटेन करना। किसी एक व्यक्ति के खाते से, लैंड अकाउंट से दूसरे के खाते में जाता है, तो वो रिकॉर्ड्स पूरा मेंटेन करना, ये अंचल अधिकारी का काम होता है। और ये जो डेबिट क्रेडिट होता है, मतलब किसी एक जमाबंदी से, उसको जमाबंदी बोलते हैं, जो अकाउंट होता है उसको अकाउंट नहीं जमाबंदी बोलते हैं। तो एक जमाबंदी से ज़मीन कटकर अगर दूसरी की जमाबंदी में सृजित होती है, तो ये हमें देखना होता है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो होता है, जो बेचने वाला है उसकी वो ज़मीन थी या नहीं, उसका उस पर मतलब उसकी ही ज़मीन थी या नहीं, वो बेचने का हक है या नहीं उसे। तो ये सब तो डेली हमारा मतलब रूटीन वर्क है। इसके अलावा विधि व्यवस्था में हमें लगाया जाता है, विधि व्यवस्था हमें देखनी होती है अंचल अधिकारी को। और दूसरा आपदा का काम होता है। आपदा में किसी भी प्रकार की जो आप प्राकृतिक आपदा हो, तो वो हमें उस मतलब उसके लिए जो पदाधिकारी होते हैं जो अंचल स्तर पे है, वो अंचल अधिकारी ही होता है। अभी हमारे अंचल में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी। गंगा का जल स्तर निरंतर बढ़ रहा था और वो डेंजर लेवल से ऊपर चला गया था। आपने सुना ही होगा कि इस बार बहुत भयावह बाढ़ आई थी गंगा में। तो वो एक फेज़ था, मतलब वो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था, उसको पूरा अच्छे से मैनेज करना, कि लोगों का बहुत आक्रोशित लोग ना हो, और उनको जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको आप उपलब्ध कराओ उतने कम समय में। आपदा में आपको टाइम नहीं मिलता है कि आप बहुत प्रिपेयर्ड हो, प्रिपेयर्ड एज इन उसके लिए कितने लोग प्रभावित होंगे और फिर उनको आपको क्या सुविधाएं, पता ही है, खाना पीना रहना सब आपको प्रबंध कराना है उतने शॉर्ट नोटिस पे। तो ये सारा अरेंजमेंट करना थोड़ा सा मतलब चुनौती होता है इसमें, बट टचवुड ये बहुत अच्छे से इस बार हो गया सबके सहयोग से ही। जो भी यहाँ पे बाकी पदाधिकारी हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे कॉलीग्स हैं, उन सबके सहयोग से ये काम बहुत अच्छे से हो गया। अब हमने बाढ़ राहत केंद्र भी बंद कर दिया है क्योंकि जल स्तर खतरे के निशान से नीचे चला गया है। तो जो हमारे शिविर चल रहे थे, जो हमारे सामुदायिक रसोई चल रही थी, वो सबको हमने धीरे धीरे करके बंद करना शुरू कर दिया है। तो वहाँ के बारे में बताती हूँ मैं, क्या क्या सुविधाएँ उनको उपलब्ध करानी होती है शिविर में। उनके खाने और रहने का प्रबंध कराना होता है, जो उनके लिए मूलभूत सुविधाएँ हैं, बिजली, पानी, शौचालय, ये उपलब्ध कराना होता है। अगर उनके पास पशु है तो पशु की गिनती करके हम पशुपालन विभाग से संपर्क समन्वय स्थापित करके उनके लिए पशु चारा उपलब्ध कराते हैं। हम सारे कैंपों पर मेडिकल टीम रखते हैं, मतलब मेडिकल टीम होती है कि कोई अगर बीमार हो गया, कुछ भी उनको दिक्कत होती है, तो वहाँ पर एक प्राथमिक उपचार के लिए एक डॉक्टर की टीम हो। दूसरा, बच्चों की पढ़ाई इसमें बहुत उसमें भी बहुत नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए हम आंगनवाड़ी केंद्र को बुलाते हैं, आंगनवाड़ी सेविकाओं को बुलाते हैं, उनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। और जो छोटे बच्चे हैं जो भोजन नहीं कर पाते हैं, या जो भोजन कर भी पाते हैं लेकिन उनका मूल आहार अभी भी दूध होता है, तो उनको हम उनके लिए दूध उपलब्ध कराते हैं, वो भी आंगनवाड़ी सेविकाओं के माध्यम से ही बंटवाते हैं। और दो वक्त का भोजन, जो दिन का खाना और रात का भोजन, वो उन्हें उपलब्ध कराते हैं। फिर हमें ये देखना होता है कि सारी पंजियाँ हमारी विधिवत संधारित हो, जो लोग आते हैं हमारे शिविर में रह रहे हैं उनका निबंधन हो गया हो और इसमें कोई वित्तीय अनियमितता ना हो, तो इसके लिए हम उनका आधार नंबर, उनका मोबाइल नंबर, पूरा डिटेल्ड अकाउंट मेंटेन करते हैं कि कहीं कोई बाद में जाँच हो तो वो पूरा एक रिकॉर्ड हो। उसका रिकॉर्ड कीपिंग जितना ही ज़रूरी है लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना उतने शॉर्ट टेन्योर नोटिस पे।
उतना ही ज़रूरी है उसका रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होता है तो फिर दिक्कतें आती हैं बाद में। तो ये सारी चीज़ें हमें मतलब उसमें ही देखना था कि ये सब कुछ ड्यूली सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए। और फिर बाढ़ के बाद अभी हमारा एक नया एक और अलग चुनौती है, निर्वाचन। पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है। पंचायत चुनाव में भी RO एंड ARO BDO CO ही होते हैं। BDO या CO में से कोई भी RO हो सकता है। तो उसके लिए भी मतलब लोगों को तो ये दिखता है कि बस एक चुनाव का दिन है, उनको लगता है कि बस उसी दिन काम है, लेकिन एक्चुअली वो जो चुनाव का दिन होता है उस दिन बस 10% काम होता है, बाकी जो 90% काम होता है वो बैकएंड में पहले से 2-3 महीने पहले से ही होता रहता है। तो उसकी जो सूची बनती है कि जो लोग 18 साल से के उम्र के हो गए हैं उनका उनका नाम जोड़ना है तो उसकी प्रक्रिया शुरू कर देते हैं हम लोग। और फिर उनको जो वोटर रोल उनको भेजते हैं उनको उनके लिए हम वो क्रमांक भेज देते हैं और किस केंद्र में उनको मतदान करना है, मतदान केंद्र वो उसके साथ ही भेजते हैं। फिर हमें वो भी चिन्हित करना होता है कौन से हमारे बूथ्स हैं वो वल्नरेबल है, सेंसिटिव बूथ्स हैं, तो उस हिसाब से फिर फोर्स की मांग करते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इस बार तो हमारा जो पंचायत चुनाव है वो EVM के माध्यम से होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से होगा। तो उसके लिए भी हमें देखना होता है कि किस बूथ पे हमें कौन सा EVM भेजना है। जब EVM आता है तो उसको भी हम मिलाते हैं CU BU से मिलाते हैं, उसका नंबर देख के फिर हम बूथ से टैग करते हैं कि इस बूथ में यही इसी नंबर का EVM जाना है, उसका CU का नंबर ये होगा, उसका BU का जो बैलेट यूनिट है उसका नंबर ये होगा। ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं तो BU के यूनिट्स हम बढ़ा देते हैं, किसी में 2-3 यूनिट्स भी लगते हैं। तो ये सब तो मतलब बात का जब नॉमिनेशन होगा वो सब के बाद का प्रोसेस है, लेकिन मतलब इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें ये सब भी इनग्रेंड है, मतलब वो हमें करना पड़ता है। तो इससे पहले इतनी तैयारियां करनी होती है इलेक्शन में, मतलब 2-3 महीना हमारा समय बहुत जाता है। और इसके लिए मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता ना हो, किसी भी बाद में कोई कठिनाई ना हो, तो ये बहुत अच्छे से मतलब एक एक चीज़ देख देख के बहुत ज़्यादा अलर्ट होके हमें ये काम करना पड़ता है। इलेक्शन में कभी कोई कमी ना रह जाए, मतलब कोई दिक्कत ना आए, कोई आरोप प्रत्यारोप ना शुरू हो जाए, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रह के हमें काम करना पड़ता है। तो वो प्रक्रिया अभी शुरू हो गई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता लागू हो गई है, उसमें भी हमें देखना होता है, व्हीकल इंस्पेक्शन होता है, कहीं पैसों का तो आदान प्रदान नहीं हो रहा है उसकी चेकिंग होती है, कहीं आर्म्स का तो नहीं मतलब हो रहा है कुछ, आर्म्स का लाइसेंस है या नहीं वो चेक करना होता है, मतलब आर्म्स लाइसेंस चेक होता है कोई भी चुनाव से पहले, लाइसेंस वेरिफिकेशन, तो वो भी काम हमारे अंचल के माध्यम से ही होता है, थाना के माध्यम से, पर उसमें अंचल अधिकारी का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उसके अलावा जो और भी बहुत सारे, अभी जैसे हमसे जो हमारे न्यास बोर्ड की ज़मीन है उसका ब्यौरा मांगा जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है कि न्यास बोर्ड की ज़मीन है वो अतिक्रमित होती जा रही है, उस ज़मीन की खरीद बिक्री हो रही है, तो बिहार सरकार की ज़मीन है वो हमारी, तो उसको हमें संरक्षण प्रदान करना है। वो अगर ज़मीन ज़्यादा है, मंदिर के अलावे और ज़मीन बच रही है, तो फिर हमें ये देख लेना है कि मतलब अगर हम उसमें और कुछ सरकारी काम कर सकते हैं, अगर हम विद्यालय का की स्थापना कर सकते हैं या हॉस्पिटल बनवा सकते हैं, तो जब बिहार सरकार ज़मीन उपलब्ध है तो हम उसको चिन्हित करके पहले से ही रखेंगे तो हम उसको दे सकते हैं। अगर कोई भी योजना सरकार की लागू होनी है उसके लिए हमें ज़मीन चाहिए तो वो सरकारी ज़मीन हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसीलिए इसको हमारा यही प्रयास है कि उसको हम डिजिटलाइज कर लें कि जब भी जहाँ ज़रूरत हो उसके हिसाब से हम उसको उपलब्ध करा दें। तो उस प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं कि इसका एक सूची बना लें और इसको डिजिटलाइज कर लें ताकि इसकी सूची हमारे जिला में भी एक हो और विभाग के पास भी हो, तो ये बहुत पारदर्शी हो, कहीं भी कोई अतिक्रमण होगा तो मतलब हम उसको तुरंत खाली करा सके, हमारे संज्ञान में आए और प्रशासन के माध्यम से उस अतिक्रमण को खाली कराया जा सके। DKT एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम हज़ारों स्टूडेंट्स करोड़ों स्टूडेंट्स के बीच पहुंच सकते हैं, हम बता सकते हैं जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको बता सकते हैं कि इसकी तैयारी कैसी करनी है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस होंगे जिनके माध्यम से बताया गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे और क्या छोड़ना है। क्या पढ़ना है तो इम्पोर्टेंट होता ही है, पर क्या नहीं पढ़ना है वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप कम समय में कैसे मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकते हैं वो भी बहुत सारे वीडियोज़ के माध्यम से बाकी एस्पिरेंट्स ने, बाकी जो ऑफिसर जो सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी उन्होंने आपको बताया होगा।
और ये जो वीडियो है जिसमें मतलब ये तो एक निर्धारित था कि हमें इसके माध्यम से पोस्ट के बारे में बताना है प्रोफाइल, ताकि लोग जब जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो जब पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस भरने में वो किस हिसाब से भरे कि मतलब उनको समझ में नहीं आता है प्रोफाइल है क्या, इसमें क्या काम होता है, तो वो उसका सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो उसके बारे में बताया मैंने प्रोफाइल के मतलब इसमें क्या क्या काम होता है, किन किन डायरेक्शंस में, किन किन चीज़ों में, किन किन एरियाज़ में इनका काम होता है और कैसा प्रोफाइल कैसा है। तो इसके मतलब पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या हैं और चुनौतियां क्या हैं, दोनों ही चीज़ बता दिया है, दोनों से अवगत कराया है, ताकि लोगों जो लोग जब सिलेक्शन करें पोस्ट प्रेफरेंस अपना भरे तो ये सबको दिमाग में रख कर भरे कि आप एकदम सोच लें कि मतलब ये प्रिविलेजेस हैं, ये मिलने हैं और ये चुनौतियाँ हैं जिनका सामना करना है, तो उनका माइंड मेकअप रहेगा इसके हिसाब से वो पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे और फिर जब वो आएंगे इस जॉब में तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी कि वो प्रिपेयर्ड होंगे, मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे कि ये होता है इस काम में, अगर इस जॉब में आप आए हो तो आपको ये फेस करना पड़ेगा, तो पहले से प्रिपेयर्ड होंगे तो शायद वो बेटर सर्विस दे पाएंगे। और मैं बाकी जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मैं उनको डीकेटी के माध्यम से शुभकामना देना चाहूँगी, और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो लोगों के माध्यम मतलब निःशुल्क ये लोगों के बीच पहुँच रहा है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है और लोगों को मतलब बता प्रोफाइल के बारे में तो बता ही रहा है कि तैयारी कैसी करनी है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू से लेके सिलेक्शन तक, और सिलेक्शन के बाद भी अगर किसी को कठिनाई हो रही है ये ना सोचे कि सिर्फ मुझे ही कठिनाई हो रही है, बाकी का देखेंगे वो अगर वीडियो तो उनको पता चलेगा कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं, बाकी अधिकारियों को भी सेम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो थोड़ा शायद उनको मोटिवेशन मिलेगा कि कोई बात नहीं सबके साथ ये होता है तो हम भी ये नया पार कर लेंगे। चलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से तैयारी करें और फिर हम चाहेंगे कि आप भी डीकेटी के माध्यम से हमारी तरह ही एक दिन जुड़ के ऐसे लोगों के बीच अपना संदेश दें।